हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर हाउ टू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर का ये आज का सेकंड लेक्चर है। तो स्टार्ट करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। अच्छा, आज हमें देखना क्या है, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, जो रिप्रोडक्शन होता है ये दो टाइप का होता है। ये तो बेसिक है, ये तो छोटी क्लासेस से ही पढ़ा होता है भैया कि रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है। पहला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इवन क्लास एट्थ में, क्लास एट्थ हो गया और क्लास सेवेंथ वगैरह में भी दिया होता है। ठीक है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन के कितने टाइप, दो। पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा कौन सा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। भैया इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस क्या है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, मतलब जो ऑफस्प्रिंग बनेगा, जो नया इंडिविजुअल बनेगा वो सिंगल पेरेंट से ही फॉर्म होगा। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है। सिंगल पेरेंट से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। तो सबसे मेन डिफरेंस तो हो गया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है इंडिविजुअल को फॉर्म करने के लिए, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है, दो पेरेंट की। और वो जो दो पेरेंट होते हैं उनमें से एक मेल होगा, दूसरा फीमेल। बात समझ में आई। चलो देखो, जैसे डिफरेंस नेक्स्ट स्लाइड में दिया गया है सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, यहां पे पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंगल पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व्ड होते हैं, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने पेरेंट, कितने पेरेंट बोलो भैया जरा, कितने पेरेंट यहां पे इन्वॉल्व होते हैं, टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। कितने, टू। ठीक है, जबकि यहां पर सिंगल पेरेंट। इतनी बात समझ में आई। चलो फिर आगे बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं गैमिट क्या होते हैं। गैमिट, गैमिट, गैमिट्स क्या होते हैं, ये स्पेशलाइज्ड, स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव सेल्स। रिप्रोडक्टिव सेल्स, ठीक है। गैमेट्स क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं। ठीक है, ये याद रखना, मतलब जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगी, ये स्पेशलाइज सेल्स होती हैं जो रिप्रोडक्शन में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं, जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती हैं। तो जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है इनमें गैमिट का फॉर्मेशन नहीं होता है, इनमें गैमिट का फॉर्मेशन नहीं होगा, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमिट का फॉर्मेशन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमिट का फॉर्मेशन होता है, वो भी दो टाइप का गैमिट। कितने टाइप के गैमिट, गैमिट दो, दो पेरेंट होते हैं तो दो टाइप के गैमिट बनेंगे। मेल पेरेंट में मेल गैमिट बनेगा, फीमेल पेरेंट में फीमेल गैमिट। बात समझ में आई। तो देखो यहां पे इन्वॉल्व टू पेरेंट्स, अ मेल एंड अ फीमेल। ठीक है, अब यहां पे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नो गैमिट्स आर फॉर्म्ड। यहां पर गैमिट का फॉर्मेशन नहीं होता, यहां पे गैमिट का फॉर्मेशन नहीं होता है, नो गैमिट्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, और यहां पर कितने, कितने टाइप के गैमिट, दो टाइप के, प्रिंटिंग मिस्टेक, राइटिंग मिस्टेक हो गई, सॉरी, टू टाइप्स ऑफ गैमिट्स। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने टाइप के गैमिट, दो टाइप के, वन इज मेल गैमिट, अदर इज फीमेल गैमिट। अगर हम लोगों में बात किया जाए तो मेल गैमिट स्पर्म और फीमेल गैमिट ओवम या ओवा या उसी को एग बोला जाता है। बात समझ में आई। चलो भैया, तो यहां पे देखो टू टाइप्स ऑफ गैमिट्स आर फॉर्म्ड, वन इज मेल गैमिट एंड अदर इज फीमेल गैमिट। ठीक है भैया, वन इज मेल गैमिट एंड अदर इज फीमेल गैमिट। फिर इसके बाद नेक्स्ट है वेरिएशन। वेरिएशन के बारे में कल पढ़ा था, स्मॉल चेंज
रिप्रोडक्शन के समय जो स्मॉल चेंज होता है ऑर्गेनिज्म के अंदर वही कहलाता क्या है, वेरिएशन कहलाता है। क्या कहलाता है? वेरिएशन। और हमने बताया था वेरिएशन जो होता है ऑर्गेनिज्म को सक्षम बनाता है किसी भी इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए, या बोलो चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ जो वेरिएशन होता है वो ऑर्गेनिज्म को इनेबल करता है ताकि वो वहां पे अपने आप को सर्वाइव करा सके। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नो वेरिएशन, वेरिएशन यहां पे नहीं होता है। ठीक है, जबकि यहां पे वेरिएशन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? वेरिएशन होगा। तो भैया ये बताइए, कल तो आप बात कर रहे थे ये कि वेरिएशन जो होता है वो नए हैबिटेट में या बोलो चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ ऑर्गेनिज्म को इनेबल बनाता है सर्वाइव करने के लिए। तो क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन नहीं होता, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे? करेंगे, लेकिन ये वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट में सर्वाइव नहीं कर सकते। इनका एक नैरो रेंज होगा, मतलब कुछ पर्टिकुलर हैबिटेट होगा उसी में ही ये सर्वाइव कर पाएंगे। और जिनमें वेरिएशन ज्यादा होता है या वेरिएशन होता है वो एक वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट में क्या कर सकते हैं? सर्वाइव कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, आओ देखो नेक्स्ट। ये तो हो गया सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में डिफरेंस। अब सबसे पहले पढ़ेंगे हम एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, देन पढ़ेंगे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो चलो बताओ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, डिफाइन करो भैया, डिफाइन करो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन इन विच अ न्यू इंडिविजुअल, अ न्यू इंडिविजुअल is formed from a single parent is known as asexual reproduction. ठीक है, अभी जस्ट पीछे पढ़ के आ रहे हैं कि रिप्रोडक्शन का ऐसा तरीका जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म एक सिंगल पेरेंट से फॉर्म हो, या बोलो एक इंडिविजुअल जब सिंगल पेरेंट से फॉर्म होता है तो उस टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है वो कहलाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या कहलाता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इतनी बात समझ में आई? अब नेक्स्ट बात करते हैं, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से मोड्स होते हैं? क्या एक ही टाइप का होता है क्या एसेक्सुअल, बस एसेक्सुअल हो गया? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी कई सारे टाइप्स होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी क्या होते हैं? कई सारे टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो भैया कौन कौन से टाइप्स हैं? रुको, बता रहे हैं, आओ देखो कौन कौन से टाइप्स हैं भैया, आओ। हो गया, एक दो तीन चार, एक और रह गया ना, अच्छा तो कौन कौन से हो गए भैया? सबसे पहला फिजन, फिजन, देन
देन देन देन देन फ्रेगमेंटेशन, देन री जेनरेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, लास्ट स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, ये सारे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या हैं, मोड्स हैं। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन सा आ गया, फिजन आ गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया, रीजेनरेशन हो गया, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और स्पोर फॉर्मेशन। ये टाइप्स हैं किसके, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। किसके, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। मतलब इन सारे टाइप्स में सिंगल पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होगा ऑफस्प्रिंग क्या करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए। इनमें गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, इन ये रिप्रोडक्शन के थ्रू गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा और इनमें वेरिएशन नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, वेरिएशन। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं, फिजन, देन फ्रेगमेंटेशन, रीजेनरेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और स्पोर फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, फिजन। तो नेक्स्ट स्लाइड क्या है, फिजन। ठीक है, चलो ये फिजन क्या होता है। फिजन, फिजन कोई बायोलॉजी का टर्म वैसे नहीं, नॉर्मल फिजन आके बोलते हैं। फिजन का मतलब होता है ब्रेक होना। एक होता है फ्यूजन और एक होता है फिजन। फ्यूजन का मतलब जुड़ना, मिलना, ठीक है, और फिजन का मतलब टूटना। क्या फिजन का मतलब क्या होता है, टूटना। ठीक है, तो जो फिजन है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है। ठीक है, ये यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म में होता है, सॉरी यूनिसेलुलर, यूनिसेक्सुअल बता रहे हैं। किन में होता है, ऑकर्स ओनली इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, केवल किसमें होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है। ठीक है, और इसमें होता क्या है, इन फिजन एंड इंडिविजुअल इंडिविजुअल डिवाइड्स टू फॉर्म टू और मोर देन टू इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो फिजन में क्या होता है, फिजन हमने क्या बताया कि फिजन में एक इंडिविजुअल, जो एक इंडिविजुअल होगा उससे दो या दो से ज्यादा, एक इंडिविजुअल से दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल्स क्या होंगे, फॉर्म होंगे। बात समझ में आई। ठीक है, अब जो फिजन होता है ये भी दो टाइप का होता है। कितने टाइप का है, दो टाइप का। पहला है बाइनरी फिजन। कौन सा भैया,
बाइनरी फ्यूजन और दूसरा है मल्टीपल फ्यूजन। नाम ही बता रहा है यार, ये सब चीज रटने वाली नहीं है, फ्यूजन उधर रटा नहीं जाता है, ठीक है। तो फ्यूजन में क्या, फ्यूजन का मतलब याद रखो, फ्यूजन का मतलब क्या होना, डिवाइड होना, टूटना। जब दो ऑर्गेनिज्म में मतलब एक पेरेंट से दो इंडिविजुअल फॉर्म हो जाए, बाइनरी फ्यूजन। जब एक पेरेंट मल्टीपल इंडिविजुअल में क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, मल्टीपल फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन, ठीक। चलो आ जाओ भैया, तो कौन कौन सा हो गया, बाइनरी फ्यूजन हो गया पहला, और दूसरा कौन सा हो गया, मल्टीपल फ्यूजन हो गया, ठीक है। ये किसका टाइप है, किसका टाइप है ये, फ्यूजन का, किसका भैया, फ्यूजन, ठीक है। और फ्यूजन का मतलब क्या होता है, ऐसे बेटर होगा, फ्यूजन का मतलब लिख लो, है ना, फ्यूजन का मतलब होता है टू डिवाइड, मींस टू डिवाइड, ठीक है। कितने में डिवाइड करेगा वो डिपेंड कर रहा है कि बाइनरी फ्यूजन हो रहा है या मल्टीपल हो रहा है। बाई, बाई का मतलब क्या होता है, टू होता है ना, तो जब एक पेरेंट से दो इंडिविजुअल बन जाए, एक पेरेंट दो इंडिविजुअल में डिवाइड हो जाए, बाइनरी फ्यूजन। जब एक पेरेंट मल्टीपल इंडिविजुअल में क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, मल्टीपल फ्यूजन, ठीक है, सिंपल सा। आओ देखो पढ़ते हैं नेक्स्ट, कौन सा, बाइनरी फ्यूजन, क्या पढ़ते हैं भैया, बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन क्या होता है, ठीक है, बाइनरी फ्यूजन में क्या होगा, सिंगल पेरेंट से दो ऑफस्प्रिंग या बोलो दो इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो यहां पे क्या लिख दें, टू ऑफस्प्रिंग्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट। एग्जाम्पल क्या हो गया, एग्जाम्पल लिखना हो, एग्जाम्पल जैसे बैक्टीरिया अमीबा, अमीबा, अमीबा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया, और लीस्मेनिया हो गया, लीस्मेनिया। भैया इसको अलग पेन से लिख रहे हो, इसमें थोड़ा अलग तरीके से डिवीजन होता है, ठीक है। और जो लीस्मेनिया होता है ये काला अजर कॉज करता है, कॉज causes काला अजर, काला अजर, ठीक है। इसी को बोलते हैं ब्लैक फीवर, ठीक है। तो बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है, सिंगल पेरेंट से दो ऑफस्प्रिंग बनेंगे, एग्जांपल बैक्टीरिया अमीबा और लीस्मेनिया हो गया, ठीक है। जैसे बैक्टीरिया है, जैसे सिंगल बैक्टीरिया है, जैसे ये सिंगल बैक्टीरिया है, ठीक है। अब इससे क्या होगा, दो बैक्टीरिया का फॉर्मेशन हो जाएगा, इससे कितने बैक्टीरिया का फॉर्मेशन हो जाएगा, दो बैक्टीरिया का, ठीक है। ये डिवाइड हो जाएगा दो में, इसके अंदर ये इसका
न्यूक्लियस हो गया, ठीक, और ये इनका साइटोप्लाज्म हो गया। तो एक बैक्टीरिया से कितने बैक्टीरिया बन गए? दो हो गए, ठीक है। एक सिंगल बैक्टीरिया है, ये डिवाइड हो गया कितने में? दो में, ठीक है। क्या बोलने लगे? हैप्पी बर्थडे टू यू, ठीक है। एक बैक्टीरिया से दो, यार डायरेक्ट एक सेल है यार, एक सेल कितने में डिवाइड? दो, हैप्पी बर्थडे टू यू, शुरू, ठीक है। ऐसे तो देखा जाए हमारे यहाँ रोज हैप्पी बर्थडे टू यू होता है, ठीक है। मतलब हमारी पता नहीं कितनी सेल रोज डिवाइड कर रही होती हैं, हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ डिवीजन होता रहता है, ठीक है। तो मल्टीपल सेल्स हमारे बॉडी में डिवाइड करती रहती है, तो क्या वो रिप्रोडक्शन है क्या? नहीं, लेकिन ये लोअर ऑर्गेनिज्म है ना, क्या है? लोअर ऑर्गेनिज्म अपने तरीके से रिप्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। जो हमारे यहाँ सेल डिवीजन होता है उसी को इनके यहाँ क्या बोला जाता है? रिप्रोडक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिप्रोडक्शन। एक सेल दो सेल में डिवाइड हो गई, रिप्रोडक्शन हो गया। क्या हो गया? रिप्रोडक्शन हो गया। ऐसे को तो हमारे यहाँ सेल डिवीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन। हाँ भैया, ये सेल डिवीजन ही है। क्या है? सेल डिवीजन। इसी को बोल दिया गया है क्या? रिप्रोडक्शन, क्योंकि इसमें दो नए इंडिविजुअल बन रहे हैं, और दो नए इंडिविजुअल या बोलो नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन तो रिप्रोडक्शन होता है। क्या होता है? रिप्रोडक्शन। इसीलिए इसको क्या बोल दिया गया? रिप्रोडक्शन बोल दिया गया। अब एक चीज ध्यान देना यहां पे, बैक्टीरिया जो है ये इस प्लेन से भी डिवाइड हो सकता है, बैक्टीरिया को आप यहां से भी डिवाइड कर सकते हो, बैक्टीरिया को आप यहां से डिवाइड कर सकते हो, बैक्टीरिया को पूरे प्लेन पे कहीं से भी डिवाइड कर सकते हो, कहीं से भी डिवाइड करो, दो बराबर पार्ट में क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। समझ में आया? इसी प्रकार जैसे अमीबा है, कौन है? अमीबा। अमीबा में भी देखो ना, एक सिंगल पेरेंट है, कितने हो गए? दो हो गए। एक सिंगल से पहले तो यहां पे डीएनए का फॉर्मेशन होगा, डीएनए की कॉपी होगी, पहले बताया था, ठीक है, डीएनए की कॉपी होगी, और फिर वहां पर क्या किया जाएगा? दोनों में डीएनए डिवाइड कर दिया जाएगा, बोलो न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, फिर दोनों में क्या कर दिया जाएगा? दोनों ऑफस्प्रिंग में डीएनए या न्यूक्लियस दे दिया जाएगा, ठीक है। तो देखो यार, अमीबा है, एक अमीबा से कितने अमीबा बने? दो अमीबा बने। अब अमीबा का शेप तो इररेगुलर होता है, ये अमीबा का क्या हो गया? शेप हो गया, मान लो ये उसका न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है इनमें, ठीक है। चलो आओ देखो जरा, अब यार जो अमीबा है आप इसको यहां से डिवाइड करो, यहां से डिवाइड करो, यहां से डिवाइड करो, यहां से डिवाइड करो, इसका तो शेप ही फिक्स नहीं है, अमीबा का तो शेप ही फिक्स नहीं है ना, तो इसको आप कहीं से भी डिवाइड करो, दो बराबर पार्ट में वहां पे क्या हो जाएगा? ये डिवाइड हो जाएगा। लेकिन लीस्मेनिया, जो लीस्मेनिया होता है, इसको आप केवल सिंगल प्लेन से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर अलग होता है थोड़ा सा, ठीक है। जो लीस्मेनिया है इसका स्ट्रक्चर एक विप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें एक पर्टिकुलर पोजीशन पे ही इनके विप पाए जाते हैं, या बोलो इनमें फ्लैजिला पाया जाता है। बात समझ में आया? ठीक है, तो यहां पे देखो ना यार, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकला हुआ है ना, एक सिंगल प्लेन से ही तो निकला हुआ है, यहां से ये। अब इनको क्या हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं क्या? ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते। अगर हम ऐसे डिवाइड करेंगे तो ये विप लाइक स्ट्रक्चर जो है ये एक पार्ट में जाएगा, दूसरे में आएगा ही नहीं, दूसरे में नहीं आएगा। तो इसको आप केवल सिंगल ओरिएंटेशन से ही, एक ही एक्सिस से ही इनको आप दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। तो याद रखना, लीस्मेनिया कैन बी डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स ओनली फ्रॉम अ सिंगल ओरिएंटेशन ड्यू टू इट्स विप लाइक स्ट्रक्चर एट वन एंड। बात समझ में आई? मतलब इसके एक एंड पे विप लाइक स्ट्रक्चर पाए जाने के कारण लीस्मेनिया को केवल हम एक ही एंगल से, या बोलो एक ही एक्सिस से क्या कर सकते हैं? दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आई? क्वेश्चन आया हुआ है एक बार, अमीबा में, अमीबा और लीस्मेनिया में बाइनरी फ्यूजन कैसे होता है, डिफर कैसे होता है? लिखो क्वेश्चन, देखो जरा। ये क्वेश्चन था एक बार, ठीक है, बोर्ड में आया हुआ है। डिफरेंशिएट बिटवीन बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा एंड बाइनरी फ्यूजन इन लीस्मेनिया। अमीबा में बाइनरी फ्यूजन और लीस्मेनिया में बाइनरी फ्यूजन में आपको क्या करना है? डिफरेंस लिखना है, डिफरेंशिएट करना है।
तो क्या हो गया, इन अमीबा स्प्लिटिंग ऑफ सेल टेक्स प्लेस फ्रॉम एनी प्लेन, किसी भी प्लेन से अमीबा को दो इक्वल पार्ट में आप क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। ये अमीबा हो गया, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। आप इस प्लेन से डिवाइड करो, आप इस प्लेन से डिवाइड करो, आप इस प्लेन से डिवाइड करो, यहां से डिवाइड करो, कहीं से भी डिवाइड करो, ये दो बराबर भाग में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन लीसमेनिया है, ये लीसमेनिया हो गया, ये उसका न्यूक्लियस हो गया, और ये इसका विप्लाइक स्ट्रक्चर हो गया। क्या आप इसको इस प्लेन से डिवाइड कर सकते हो, नहीं कर सकते। क्या आप यहां से डिवाइड कर सकते हो, नहीं कर सकते। क्या आप यहां से डिवाइड कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। भैया ये विप्लाइक स्ट्रक्चर है, ये दोनों में आना चाहिए, याद रखना। जब फिजन होता है, जब डिवीजन होता है, तो दोनों सेल्स, जो पार्ट पहली सेल में होने चाहिए वो पार्ट दूसरी सेल में भी होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहां पे ये जो फ्लेजिला है, ये जो विप लाइक स्ट्रक्चर है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, एक सेल में दे दो, दूसरे सेल में दो ही ना। भैया उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उसका पाया जाना, या उनका फीचर होता है उसका पाया जाना। अब एक में पाया जाए, एक में ना पाया जाए, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, ठीक है। तो डिवीजन यहां पर केवल एक सिंगल प्लेन से हो सकता है, वो भी कौन सी प्लेन है भैया, कौन सी प्लेन? ये प्लेन, एक मिनट, केवल इस प्लेन से यहां पर इनको दो इक्वल हाफ में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो देखो जरा यहां पे क्या है, आंसर क्या है। इन अमीबा स्प्लिटिंग ऑफ सेल्स टेक्स प्लेस फ्रॉम एनी प्लेन, वाइल इन लीसमेनिया डिवीजन कैन ओनली टेक्स प्लेस फ्रॉम अ डेफिनेट ओरिएशन, एक डेफिनेट ओरिएंटेशन से ही डिवीजन होगा। क्यों? एज लीसमेनिया हैज अ विप लाइक स्ट्रक्चर एट वन एंड ऑफ द सेल, क्योंकि लीसमेनिया में विप लाइक स्ट्रक्चर केवल एक ही एंड पर होता है। अगर दोनों एंड पे होता तो आप इसको ऐसे डिवाइड कर सकते थे। तो यहां पे याद रखना, एक ही प्लेन से होगा, वो भी कौन सा, लॉन्गिट्यूडिनल। कौन सा? लॉन्गिट्यूडिनल, ये ट्रांसवर्स होता है, ये लॉन्गिट्यूडिनल। तो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस से ही उसको दो इक्वल हाफ में आप क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। ये चीज याद रखना, ठीक है, पूछ सकते हैं एग्जाम में। ठीक, आ जाओ भैया। तो बाइनरी फिजन हमारा हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है मल्टीपल फिजन, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ मोर देन टू इंडिविजुअल फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट, ठीक है। एक सिंगल पेरेंट से दो से ज्यादा इंडिविजुअल का जब फॉर्मेशन हो तो वही क्या कहलाता है, मल्टीपल फिजन कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? मल्टीपल फिजन कहलाता है। समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत? एग्जाम्पल इसका हो गया प्लाज्मोडियम। एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम, ठीक है। ये मलेरिया कॉज करता है, कॉज इज मलेरिया, नाम सुना ही होगा, ठीक है। जो प्लाज्मोडियम है यही क्या कॉज करता है, मलेरिया। कुछ बच्चे कहते हैं मच्छर से होता है, कुछ बच्चे बोलते हैं ना मच्छर काटने से मलेरिया होता है। मच्छर काटने से मलेरिया नहीं होता बाबू, मच्छर तो उसका कैरियर होता है। क्या होता है कैरियर? भैया कैरियर क्या, जो कैरी करे, ठीक है। प्लाज्मोडियम को एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल जाने के लिए कैरियर की जरूरत होती है, ये फूड से, वाटर से और किसी चीज से नहीं जाता है, इसको एक कैरियर की जरूरत होगी, ठीक है। अगर वो कैरियर नहीं होगा तो प्लाज्मोडियम एक पर्सन से दूसरे पर्सन या एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल ट्रांसफर नहीं हो सकता है। इतनी बात समझ में आई? और इसका प्लाज्मोडियम का कैरियर कौन होता है? मॉस्किटो होता है। समझ में आया? तो डिजीज तो करवाता प्लाज्मोडियम है, लेकिन एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल उसको कैरी कौन करता है? एनोफिलीज नाम का एक मॉस्किटो होती है, फीमेल। समझ में आया? ठीक है, क्योंकि खून उन चूसने का काम किसका होता है? फीमेल्स का। ये मैं मजाक कर रहा हूं, कोई वैसे नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, याद करने के लिए बता रहा हूं यार, है ना।
आ जाओ देखो यार, यहां तक कोई दिक्कत है? अब देखो यार, मेनली जो ये होता है मल्टीपल फिजन, मेनली अकर्स इन अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है? फिजन कब होगा? मल्टीपल फिजन कब होगा? अनफेवरेबल कंडीशन में। और फिजन कब होगा? फेवरेबल कंडीशन में मेनली, ठीक है? ये ठीक है, ये मेनली अनफेवरेबल में होता है, ठीक है? और जो बाइनरी फिजन होता है वो फेवरेबल कंडीशन पे होता है। जैसे देखो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम करेगा क्या? प्लाज्मोडियम करेगा क्या? जब इसके पास अनफेवरेबल कंडीशन आती है, एक मिनट, ये मान लो प्लाज्मोडियम है, ठीक है? जब अनफेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये अपने चारों तरफ एक थिक लेयर का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है? एक थिक लेयर का, ठीक है? ये थिक लेयर का इसने क्या कर लिया? फॉर्मेशन कर लिया, ठीक है? इसका ये हो गया न्यूक्लियस, इसका ये न्यूक्लियस था, ठीक है? और ये इसका साइटोप्लाज्म है। जब अनफेवरेबल कंडीशन आई तो इसने क्या किया? अपने चारों तरफ एक थिक लेयर का फॉर्मेशन किया, और जो थिक लेयर होती है इसका नाम होता है सिस्ट। क्या होता है? सिस्ट होता है। तो जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो प्लाज्मोडियम अपने चारों तरफ एक थिक लेयर का फॉर्मेशन करता है जिसका नाम सिस्ट होता है, ताकि उस अनफेवरेबल कंडीशन में पहले तो अपने आप को सर्वाइव करे, ठीक है? अब इसके बाद इसके न्यूक्लियस का लगातार मल्टीपल डिवीजन होगा। इसका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, सेल नहीं करेगी, सेल नहीं करेगी, याद रखना। पहले न्यूक्लियस मल्टीपल टाइम क्या करता है? डिवीजन करता है। तो एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस, तीन चार न्यूक्लियस, फिर चार से यहां पे आठ न्यूक्लियस, ऐसे ही यहां पर डिवीजन होता हुआ चला जाता है। और फिर बाद में क्या होती है? इन न्यूक्लियस के चारों तरफ वॉल का फॉर्मेशन होता है, ऐसे। ठीक है, तो क्या हुआ? जब प्लाज्मोडियम अनफेवरेबल कंडीशन में आता है तो अपने चारों तरफ एक थिक लेयर का फॉर्मेशन करता है जिसको सिस्ट बोलते हैं। फिर उसके बाद न्यूक्लियस का लगातार मल्टीपल डिवीजन करता है। कितना करेगा वो ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है, उस सिचुएशन पे डिपेंड होता है, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वैरी करता है। तो न्यूक्लियस का डिवीजन किया, पहले न्यूक्लियस का डिवीजन करेगा, फिर उसके बाद उन न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या आएगी? वॉल आएगी। और जब कभी फेवरेबल कंडीशन आई, जब कभी फेवरेबल कंडीशन आई, ठीक है, तो यहां पर ये जितने भी सेल्स हैं ये एक नया इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाएंगे। सब एक नया इंडिविजुअल फॉर्म करेंगे। क्या फॉर्म करेंगे? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, तीन छः तीन नौ एक दस, ठीक है? सब क्या किए? एक नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन किए। सेल मेम्ब्रेन होगी सभी में, इतना याद रखना, सेल मेम्ब्रेन है, सॉरी वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, किसी में भूल गए हो तो। ठीक है, तो इस प्रकार क्या होता है? मल्टीपल फिजन होता है। ठीक, आ जाओ भैया, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन में डिफरेंस पूछा जाता है। ठीक है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया गया है एक, ठीक है, क्या बोलते हैं वहां पर, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है शायद से, है ना? डिफरेंशिएट बिटवीन बाइनरी एंड मल्टीपल फिजन, वो अलग तरीके से पूछा है, मैं डायरेक्ट पूछ लिया हूं। डिफरेंशिएट बिटवीन बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन, तो बाइनरी फिजन में सिंगल पेरेंट से दो पेरेंट, मतलब सिंगल पेरेंट से दो इंडिविजुअल का फॉर्मेशन, और यहां पर सिंगल पेरेंट से मैनी इंडिविजुअल का फॉर्मेशन। एग्जांपल बैक्टीरिया, अमीबा और लीशमेनिया हो गया, इसका हो गया प्लाज्मोडियम, और प्लाज्मोडियम क्या करता है? मलेरिया कॉज करता है, और लीशमेनिया का क्या कॉज करता है? काला अजहर।
क्या कॉज करता है? काला असर, ठीक है, ब्लैक फीवर भी बोला जाता है। इतनी बात समझ में आई? आ जाओ भैया, इसके अलावा आप और भी पॉइंट लिखना चाहो तो ये कहां पे होता है? ये इसके अंडर टेक्स प्लेस इन फेवरेबल कंडीशन, और ये फेवरेबल और अनफेवरेबल दोनों में होता है लेकिन मेनली अनफेवरेबल, जनरली टेक्स प्लेस इन अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है। ये पॉइंट लिखना हो तो आप ऐड कर सकते हो, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट क्या है? फ्रेगमेंटेशन। यहां तक कोई दिक्कत है? ठीक है, नहीं होनी चाहिए। आ जाओ फटाफट कर लेते हैं। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? सिंपल है, फ्रेगमेंटेशन फ्रेगमेंट करने की प्रोसेस, या बोलो एक ऐसी प्रोसेस जिसमें बॉडी के अगर फ्रेगमेंट्स हो जाएं, टुकड़े हो जाएं, तो उससे एक नया इंडिविजुअल बन जाए, वही जो प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन का, वही कहलाता है फ्रेगमेंटेशन। क्या कहलाता है? फ्रेगमेंटेशन। अभी हम पढ़ के आ रहे हैं जो फिजन होता है वो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में होता है, और जो फ्रेगमेंटेशन होता है ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, लेकिन सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी ऑर्गेनाइज्ड नहीं होती। भैया ऑर्गेनाइज्ड कहने का मतलब वहां पे टिश्यू ऑर्गेनाइज होके, मतलब सेल्स ऑर्गेनाइज होके टिश्यू नहीं फॉर्म किए होते, या वहां पे ऑर्गन्स नहीं फॉर्म होते हैं। बात समझ में आया? तो वहां पे कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता। जैसे हमारी बॉडी देखो ना, हाईली ऑर्गेनाइज्ड है कि नहीं है? ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है। ऑर्गन एक पर्टिकुलर पोजीशन पे ही पाए जा रहे हैं। हमारे यहाँ हाथ का टुकड़े कर दो तो क्या इससे एक नया इंडिविजुअल बन जाएगा? क्या नहीं बनेगा? रीजन, क्योंकि हमारी बॉडी ऑर्गेनाइज ज्यादा होती है, ठीक है। आओ देखो, तो यहां पे क्या हुआ? फ्रेगमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स इनटू टू और मोर फ्रेगमेंट्स एंड ईच फ्रेगमेंट ऑफ द बॉडी ग्रोज इनटू न्यू इंडिविजुअल। मतलब फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? बॉडी के दो या दो से ज्यादा जब टुकड़े हो जाएं और हर टुकड़े से या हर फ्रेगमेंट से एक नया इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो, तो उसे ही बोला जाता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन किसमें होता है? मल्टी सेलुलर की यूनिसेलुलर? मल्टी सेलुलर। कॉम्प्लेक्स की सिंपल? सिंपल में। तो बोल सकते हो इट अकर्स इन सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन अकर्स ओनली इन सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये पॉइंट याद रखना, ये पॉइंट याद रखना, काम की चीज है। सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक मिनट, सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक। चल नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है? कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मतलब जो फ्रेगमेंटेशन है वो कॉम्प्लेक्स में क्यों नहीं होता, वो रीजन बताया गया है। कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कैन नॉट रिप्रोड्यूस बाय फ्रेगमेंटेशन बिकॉज दे आर नॉट सिंपल सिंपली अ रैंडम कलेक्शन ऑफ सेल। मल्टी जो कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वहां पर सेल्स का रैंडम कलेक्शन नहीं होता है। ऐसा थोड़ी ना होता है कोई भी सेल मिला के लीवर बनाने लगे, कोई भी सेल मिला के किडनी बना ले। वहां पर सेल्स हाईली ऑर्गेनाइज होती हैं, सेल्स मिला के टिश्यू, टिश्यू मिला के ऑर्गन्स, और ये जो ऑर्गन्स होते हैं ये एक पर्टिकुलर पोजीशन पे ही लोकेटेड होते हैं। हमारा जो हार्ट है उसका एक पर्टिकुलर लोकेशन है, किडनी का एक पर्टिकुलर लोकेशन है, हमारी जो क्या बोलते हैं लीवर है उसका पर्टिकुलर लोकेशन है, स्टमक का पर्टिकुलर लोकेशन है। तो ऑर्गेनाइज्ड है कि नहीं बॉडी? ऑर्गेनाइज्ड है, हाईली ऑर्गेनाइज्ड है। तो क्या हमारे अंदर फ्रेगमेंटेशन या ऐसी प्रोसेस से रिप्रोडक्शन हो सकता है क्या? नहीं। तो आओ देखो, कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कैन नॉट रिप्रोड्यूस बाय फ्रेगमेंटेशन बिकॉज दे आर नॉट सिंपली अ रैंडम कलेक्शन ऑफ सेल्स, ठीक है। स्पेशलाइज्ड सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड एज टिश्यू। जो सेल स्पेशलाइज्ड हो जाती है एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए वो टिश्यू फॉर्म कर लेते हैं, और जो टिश्यू स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए वो ऑर्गन्स फॉर्म करते हैं। जैसे स्टमक, स्टमक में क्या होता है? डाइजेशन होता है कि नहीं होता है? क्या वो रेस्पिरेशन करवाएंगी क्या? नहीं। क्या वो ट्रांसपोर्टेशन करवाएंगी क्या? नहीं। तो उनका स्पेशलाइज्ड फंक्शन है ना, तो वहां पे जो सेल्स होंगी वो स्पेशलाइज्ड होंगी डाइजेशन करवाने के लिए। क्या करवाने के लिए? डाइजेशन करवाने के लिए। तो स्टमक में जितने भी टिश्यूज हैं, जितने भी सेल्स हैं, उनका काम एक है।
तो स्पेशलाइज हुई कि नहीं हुई? हुई। तो यहाँ पे क्या बोला गया, स्पेशलाइज सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड एज टिश्यूज, टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड एज ऑर्गन्स, और फिर देखो विच आर प्लेस्ड एट अ डेफिनेट पोजीशन, डेफिनेट पोजीशन पे ही ये प्लेस्ड होते हैं। कहां पर होते हैं? एक डेफिनेट पोजीशन पे ही ये प्लेस्ड होते हैं इन द बॉडी। एक रीजन ये हो गया। दूसरा रीजन क्या है, ऑल्सो इन कॉम्प्लेक्स मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म डिफरेंट सेल टाइप परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन या स्पेशलाइज्ड फंक्शन। डाइजेशन अलग सेल करती हैं, सर्कुलेशन अलग, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, यार लाइव प्रोसेस पढ़ के आए हो ना, लाइव प्रोसेस पढ़े हो ना, वहां पे अलग अलग प्रकार की सेल अलग अलग काम करती हैं। अभी हम पढ़ाएंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में कि नर्व सेल्स होती हैं उनका काम केवल होता है कंडक्शन करना, ग्लैंड में जो सेल्स होती हैं उनका काम होता है कुछ केमिकल सिक्रीट करना। तो हर एक सेल बॉडी में, हर एक बॉडी पार्ट्स के जो सेल्स होते हैं वो स्पेशलाइज्ड होती हैं कोई पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, और वहां पर रिप्रोडक्शन करने के लिए भी सेल स्पेशलाइज्ड है, रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं वहां पे। क्या होती हैं? रिप्रोडक्टिव सेल, जिनको बोलते हैं गैमीट। हमारे अंदर बात करें तो रिप्रोडक्टिव सेल्स मेल के अंदर स्पर्म, फीमेल के अंदर ओवम या ओवा, ठीक है। आओ देखो, ऑल्सो इन कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट सेल टाइप परफॉर्म डिफरेंट स्पेशलाइज्ड फंक्शन। इतना समझ में आ गया। एंड ऑल्सो इन सच ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ अ स्पेसिफिक सेल टाइप, और स्पेसिफिक सेल टाइप जो होती हैं वो कौन सी होती हैं? गैमेट। कौन सी होती हैं? गैमेट होते हैं। बात समझ में आई यार? यहां पे ये भी बोल सकते हो कि यहां पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर होता है, डिवीजन ऑफ लेबर मतलब काम का बंटवारा, काम का बंटवारा होता है। ये पॉइंट भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अगर आप इतना लंबा चौड़ा ना लिख पाओ तो बोल दो इन कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स division of labor takes place at organ tissue level, ठीक है, tissue level, organs level। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? अब इसका example, जैसे fragmentation का example, यहाँ पे ये spirogyra दिखाया गया है। क्या है ये? spirogyra। तो fragmentation का example क्या हो जाएगा? spirogyra। ठीक है, तो एग्जांपल याद रखना, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है ये याद रखना, किसमें होता है और किनमें नहीं होता है। आ जाओ भैया, नेक्स्ट है रीजेनरेशन। क्या है? रीजेनरेशन। भैया रीजेनरेशन क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन तो देख लिया कि जब बॉडी के दो टुकड़े हो जाएं, दो या दो से ज्यादा टुकड़े हो जाएं, तो हर टुकड़े से एक नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन होता है। रीजेनरेशन क्या होता है? जो थोड़े से डेवलप्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर, कईयों के अंदर ये एबिलिटी होती है कि अगर बॉडी के कुछ टुकड़े हो जाएं तो उनमें से हर टुकड़े से जो पार्ट, या बोलो कि बॉडी के कुछ पार्ट क्या हो जाएं, ब्रेक हो जाएं, तो उनको दोबारा से क्या कर सकता है? रीफॉर्म कर सकता है। तो ब्रोकन पार्ट को फिर से ग्रो करने की जो एबिलिटी होती है मल्टी सेलुलर या डेवलप्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, वही कहलाता है रीजेनरेशन। तो फ्रेगमेंटेशन क्या है? वहां पर जितने टुकड़े करोगे हर टुकड़े से पूरे बॉडी पार्ट आएंगे, और यहां पर वो बॉडी पार्ट आएगा जो क्या हुआ है? ब्रेक हुआ है। जैसे हाथ मान लो कट गया, ये हट गया, इससे क्या हो जाएगा? एक नया हाथ आ जाएगा। बात समझ में आई? या अरे ये जो हाथ है ये इससे पूरी बॉडी आ जाएगी। बात समझ में आई? तो देखो, द एबिलिटी ऑफ मेनी फुली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म, डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म ध्यान देना, ये पॉइंट ध्यान देना। तो एबिलिटी ऑफ मेनी डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म, फुली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म टू जनरेट और रिपेयर इट्स लॉस्ट बॉडी पार्ट्स, रीजेनरेट और रिपेयर लॉस्ट बॉडी पार्ट्स इज कॉल्ड रीजेनरेशन। इसी को क्या बोला जाता है? रीजेनरेशन। जैसे एग्जाम्पल 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 प्लेनेरिया हो गया,
इसके अलावा हाइड्रा हो गया, क्या हो गया, प्लेनेरिया और हाइड्रा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, जैसे यहां पे प्लेनेरिया के दिखाया गया है, देखो बॉडी के क्या हो गए, कुछ टुकड़े हो गए, ये बॉडी के, तो ये वाला का जो बॉडी पार्ट्स लॉस्ट हुआ है वो आ जाएगा, इसका जो लॉस हुआ है वो आएगा, इसका जो लॉस हुआ है वो आ जाएगा, समझ में आया। अब देखो रीजनरेशन जो होता है स्पेशलाइज सेल से होता है, जिनको बोलते हैं रीजनरेटिव सेल्स। रीजनरेटिव सेल्स पहले डिवाइड करते हुए चली जाती हैं, फिर जो सेल्स होती हैं वो स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं स्पेशलाइज्ड, तो देख लो जल्दी, कुछ है नहीं इसमें। रीजनरेशन इज कैरीड आउट बाय स्पेशलाइज्ड सेल्स, ये स्पेशलाइज्ड सेल से होता है, और ये जो स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं रीजनरेटिव सेल्स कहलाती हैं। फिर आगे देखो, दीज सेल्स प्रोलिफरेट एंड मेक्स लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, मतलब ये सेल्स क्या करती हैं, डिवाइड करते हुए चली जाती हैं और लार्ज नंबर ऑफ सेल्स फॉर्म करती हैं। फिर आगे देखो क्या होता है, फ्रॉम दिस मास ऑफ सेल डिफरेंट सेल अंडरगोस चेंजेस, डिफरेंट सेल्स अंडरगोस चेंजेस, ठीक है, टू बिकम वेरियस सेल टाइप एंड टिश्यू, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है। अब ये पहले क्या करते हैं, सेल्स डिवाइड करती हुई चली गई, अब वो क्या करती हैं, जो सेल्स हैं वो डिफरेंशिएट होंगी, क्या होंगी, डिफरेंशिएट होंगी अलग अलग टिश्यूज में या अलग अलग सेल्स में, ठीक है। फिर आगे देखो, दीज चेंजेस टेक्स प्लेस इन एन ऑर्गेनाइज सीक्वेंस, और ये जो चेंजेस होते हैं एक ऑर्गेनाइज सीक्वेंस में होते हैं, ठीक है, और इसी को बोला जाता है डेवलपमेंट, क्या बोला जाता है, डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये हो गया रीजनरेशन, रीजनरेशन का एग्जाम्पल याद रखना प्लेनेरिया हो गया, और कौन सा हो गया, हाइड्रा हो गया, कौन सा, प्लेनेरिया और हाइड्रा। नेक्स्ट है हमारा बडिंग, नेक्स्ट क्या है, बडिंग, ठीक है। बडिंग क्या होता है, बडिंग जो होता है ये पहले तो याद रखो हाइड्रा में होता है, एग्जाम्पल इसका क्या है, हाइड्रा और ईस्ट, ईस्ट भी एनसीईआरटी में है लेकिन जहां बडिंग दिया गया वहां पे नहीं बोला गया है, ठीक है भैया। ईस्ट तो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, हाँ यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में भी बडिंग होता है, ठीक है, बडिंग यूनि और मल्टी दोनों में होता है। आगे देखो, जैसे बडिंग में क्या होता है, सिंपल सा सेल्स डिवाइड करके बड का फॉर्मेशन करती हैं, बड से एक स्मॉल इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो जाता है, जब वो बॉडी से डिटैच हो जाता है तो उसी से एक नया इंडिविजुअल बन गया, समझ में आया। देखो जरा, जैसे ये हाइड्रा था, इसमें देखो एक स्मॉल आउटग्रोथ हुई है, ये इनके बॉडी पे क्या होंगी, स्मॉल आउटग्रोथ होगी, कैसे होगी, वहां पर कुछ रीजनरेटिव सेल्स होंगी, वो मल्टीपल डिवीजन करके एक स्मॉल आउटग्रोथ फॉर्म करती हैं जो कि बड होता है, बड डिवाइड करते हुए चला जाता है और एक स्मॉल इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, जब वो बॉडी से डिटैच हो जाएगा तो क्या कहलाएगा, एक नया इंडिविजुअल कहलाएगा, क्या कहलाएगा, एक नया इंडिविजुअल कहलाएगा। तो आगे देखो भैया, यहां पर आगे देखना क्या बोला गया है, ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा यूज रीजनरेटिव सेल्स, कौन सी सेल्स भैया, रीजनरेटिव सेल्स, ठीक है, फॉर रिप्रोडक्शन इन प्रोसेस ऑफ बडिंग, ठीक है। फिर आगे, इन हाइड्रा अ बड डेवलप्स, अ बड डेवलप्स एट आउटग्रोथ, ठीक है, ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन, ये याद रखना, ठीक है, एट वन स्पेसिफिक पॉइंट, एक स्पेसिफिक पॉइंट पे, एट वन स्पेसिफिक पॉइंट, मतलब बॉडी पे कहीं पर भी यार, जरूरी नहीं है यहीं पे, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां पे कह लो, कहीं पर भी पूरे बॉडी में कहीं पर भी किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे रीजनरेटिव सेल्स मल्टीपल डिवीजन करके एक बड का फॉर्मेशन करती हैं, वो बड से एक स्मॉल इंडिविजुअल बनता है, जब वो डिटैच हो गया तो एक नया इंडिविजुअल कहलाता है। फिर आगे देखो, दीज बड्स डेवलप इंटू टाइनी इंडिविजुअल, ये जो बर्ड्स हैं वो टाइनी इंडिविजुअल में क्या हो जाती हैं, कन्वर्ट हो जाती हैं, और जब वो फुली मैच्योर हैं, When fully mature, detach from the parent body and become a new independent individual. तो यार इसमें कुछ नहीं, सिंपल सा बडिंग में एक बड बनेगा रीजनरेटिव सेल्स की हेल्प से, वो बड एक नया टाइनी इंडिविजुअल फॉर्म कर लेगा, और जो पूरे तरीके से मैच्योर हो गया और क्या कर जाएगा, बॉडी से डिटैच हो जाएगा, तो उससे एक नया इंडिविजुअल बन जाएगा,
तो ये हो गया हमारा क्या, बडिंग। क्या हो गया है, बडिंग। इतनी बात समझ में आई।